ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राजनीतिक स्तर पे यही काम हम लोग वार्ड में जा जाकर करेंगे। एक दिन हमको पूरा अपने दूसरे वार्ड में जाके रहना है। हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार का फोकस है, क्योंकि जब तक हमारी मातृशक्तियां सबल और सक्षम और शिक्षित नहीं होगी, इस देश राष्ट्र का विकास अधूरा रहेगा। उसके लिए हम सबको इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी और हमारे देश और राष्ट्र को एक स्वस्थ, सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना होगा। उसमें हम सब कर सके हैं तो उनके लिए एक रोजगार का साधन आसानी से उपलब्ध कर, आप लोग सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से बताएंगे। ऐसे आप नहीं होते जब तक वो नहीं लेते, लेकिन यहाँ ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ सरकार आपको हर तरह से सहयोग करती है। मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे आसपास जो रहती है, जो बहने यहाँ तक नहीं आ पाती है, आप उनको बताएं। लोन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वही अगर आप सक्षम रही, आपने अपना इनकम जरिया एक चालू रखा अपने कामों के माध्यम से, तो आपको कहीं भी लोन लेने जाने। सभी मातृशक्तियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस स्किल कार्यक्रम से जुड़े, इसमें अपनी क्षमताओं का विकास करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। उसमें आपको आर्थिक सहायता शुरू में भी दे रहे हैं, शुरू में आपको ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। कितनी अच्छी सरकार। बताइए, जन शिक्षण संस्थान किस प्रकार का आज कार्यक्रम हुआ? जन शिक्षण संस्थान मूलतः व्यवसायिक प्रशिक्षण को लेकर कार्य करता है निरंतर। वर्तमान देवास जिले के अंदर हमारे 90 ट्रेड चल रहे थे, जिसमें 1800 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो हमारे जो प्रशिक्षक हैं उनका नियमित हम लोग दक्षता प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ सके। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि नई नई योजनाएँ जो आई है, नई स्किल्स है जो हमारे टीचर उसको आत्मसात करें, उससे उनको फ़ायदा होगा। अभी भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, देवास जिले में उसका भी अमलीकरण किया जाना है। उसको लेकर पूरी योजनाओं की जानकारी कि विश्वकर्मा योजना किस तरह के है, कौन कौन से ट्रेड है, उसमें किस तरह का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और हमारे जो प्रशिक्षक है वो किस तरह से उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उस पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ बैठक आयोजित की गई, ट्रेनिंग हम लोगों ने आयोजित की गई है, जिसमें पूरी योजनाओं का लाभ किस तरह से समाज के अंतिम व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इस तरह का प्रचार प्रसार हम लोगों ने कोशिश किया है। जन शिक्षण संस्थान भी इस पूरी योजना में, विश्वकर्मा योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग इस ट्रेनिंग वाले काम को भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग वाले जो हिस्सा है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज को रोजगार मिल सके, उन स्टूडेंट्स को अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। कौन कौन उपस्थित हुए आज के इस आयोजन? आज के कार्यक्रम में ITI से हमारे विशेषज्ञ रोहित सर हमारे विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी इस योजना, क्योंकि ITI का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है पूरी योजना के अंदर, व्यवसायिक प्रशिक्षण के अंदर। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे से, दूसरे विभागों से भी हमारे जो साथी आए वो उनको जानकारी देंगे। हमें कोशिश है कि बैंकर्स को भी हमने आमंत्रित किया है आज, कि बैंक की कौन कौन सी योजना है जिसका लाभ हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त हो सके। साथ ही हम लोग जो ऐसे महिलाओं के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं, ऋतु सामनेर हमारी बोर्ड मेंबर है, सम्मानित बोर्ड मेंबर हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया, पार्षद है वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर, महिलाओं जनजागृति को लेकर बातचीत हम लोग यहाँ पर मुलता करते हैं। ठीक, आपका परिचय? मैं डॉक्टर मुकेश महेड़े हूँ, जन शिक्षण संस्थान में निर्देशक के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पर देवास जिले में।